हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। ये जुलाई महीने का हमारा 22वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, ग्लोबल राइट्स इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? चार संस्थानों में एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के रिपोर्ट रैंकिंग से जोड़कर देख सकते हैं। यूपीएससी हर साल 2 से 3 प्रश्न ऐसा पूछती है। आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल राइट्स इंडेक्स जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, के द्वारा जारी किया जाता है। 20 जुलाई को इसे जारी किया गया था। 144 देशों को इस रिपोर्ट में स्थान दिया गया। दुर्भाग्य ये है कि भारत को पहली बार टॉप 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिया गया है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसे याद रखेंगे। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में, तो बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इजिप्ट, होंडुरस, इंडिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस, तुर्की और जिम्बाब्वे, ये विकासशील देशों की सूची है। और इन्हीं देशों को जो अभी अपने आप को विश्व स्तर पर एक मजबूती से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं देशों को इस सूचकांक के अंतर्गत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिया गया है, तो इसे आप ध्यान रखें। अगर हम बात करें इस सूचकांक का, तो ये 97 अलग अलग मैट्रिक्स के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से श्रमिकों के अधिकार, हड़ताल का अधिकार, हिंसा स्थिति से उनकी मुक्ति इत्यादि प्रमुख आधार रखे जाते हैं। इसे 2006 में स्थापित किए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ के द्वारा जारी किया जाता है। ये संस्थान बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। ये मुख्य रूप से पूरे विश्व के श्रमिकों पर आधारित रिपोर्ट को जारी करके उनके जो भी स्थिति है पूरे विश्व में, उनके आधार पर अलग अलग देशों को रैंकिंग देता है। भारत इस संघ का एक सदस्य है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए जोड़ों पर विचार करें। एक तरफ बार बार न्यूज में आने वाले बंदरगाह हैं और उसके ठीक संबंध देशों का नाम दिया गया है, उसके बिल्कुल समकक्ष आपको बताना है कि ये कौन से सही रूप से मेल खाते हैं। पहला कहता है क्यों प्यों बंदरगाह, ये बताता है ईरान में है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों प्यों बंदरगाह जो है वो म्यांमार में है, बंगाल की खाड़ी में है, यानी कि ये गलत हो जाता है। दूसरा कहता है ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान, कौन नहीं जानता, ये बिल्कुल सही है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। अभी जो न्यूज़ में आया वो क्यों प्यों बंदरगाह था, जो कि यहाँ म्यांमार में है, इसे आप देख सकते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, इधर बांग्लादेश, उसके ठीक नीचे क्यों प्यों बंदरगाह जो है वो म्यांमार में है। जो चीन है वो पूरे विश्व में अलग अलग हिस्सों में अपने बंदरगाह स्थापित कर रहा है, लेकिन भारत के आसपास जो बंदरगाह चीन के द्वारा निर्मित किए गए हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्यों प्यों म्यांमार में है, चिटगोंग बांग्लादेश में है, हम्बनटोटा श्रीलंका में है, माले मालदीव के अंदर है, और ग्वादर आप देख सकते हैं भारत को किस तरह से चाइना ने घेर रखा है। अगर हम बात करें पूरे विश्व का, तो पूरे विश्व में ही चीन अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए बंदरगाह स्थापित कर रहा है। जो यहाँ पर अलग अलग डॉट आपको दिख रहे हैं उनमें से जो लाल डॉट है वो अभी संचालित हो चुके हैं, और जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो संचालित होने वाले हैं, वो अभी उनकी कार्य प्रगति पर है, ये अभी चालू नहीं हुए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अभी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या जिस प्रकार की परिस्थिति पूरे विश्व में बन रही है, जो बंदरगाह उनको बनाए जाने की अनुमति दी गई थी, दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न भी मैपिंग से ही संबंधित है। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है?
आपके दिए गए ऑप्शन में जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया है। फ्रेंड्स, आप याद रख लीजिए, होर्न ऑफ अफ्रीका में ये चारों के चारों देश आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप इसे मैप के माध्यम से देखें और इसे आप याद कर लें। होर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, इन चारों देशों को मिलाकर होर्न ऑफ अफ्रीका बनता है, यानी कि अफ्रीका का सींग बनता है। ये अफ्रीका का मैप है, इसे आप जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये भी मैपिंग से ही जुड़ा हुआ है, न्यूज में है, पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। पहला क्या प्रश्न क्या कहता है, बराक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको तीन कथन दिए गए हैं, सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में? बराक नदी के बारे में। पहला कथन कहता है, बराक नदी मणिपुर, मिजोरम, असम राज्यों से होकर बहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वो मुख्य रूप से नागालैंड से शुरू होता है, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, असम होता हुआ बांग्लादेश जाता है। बांग्लादेश के बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। दूसरा कथन में बताया गया है कि बराक नदी बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में बहती है। बिल्कुल सही है, आप इसे याद रख लें। टीपा मुख बांध बराक नदी पर प्रस्तावित तटबंध बांध है, ये बिल्कुल सही है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसी बांध की वजह से अभी ये न्यूज में है, तो ये पूछा जा सकता है टीपामुख बांध किस नदी पर है, तो आप कहेंगे बराक नदी पर है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। आप इसे मैपिंग के माध्यम से भी देखें, आपको याद करना आसान हो जाएगा। बराक नदी जो है वो यहां से उद्गमित होता है नागालैंड में, उसके बाद ये मणिपुर आता है, मणिपुर के बाद ये असम जाता है, असम के बाद मिजोरम और मिजोरम के बाद फिर से असम और असम के बाद त्रिपुरा होते हुए अंततः ये जो नदी है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का पांचवा प्रश्न भी मैपिंग से ही जुड़ा हुआ है, आज पूरा मैपिंग हो गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, सीमोर द्वीप हाल ही में समाचार में थी किसके साथ जुड़ा हुआ है। आपके दिए गए ऑप्शन में ग्रीनलैंड, सुमात्रा, मेडागास्कर और अंटार्कटिका दिया हुआ है। फ्रेंड्स, सीमोर द्वीप जो कि अंटार्कटिका का सबसे उत्तरी द्वीप है, यहां पर अभी कुछ दिनों पहले 20 डिग्री सेल्सियस से के आसपास तापमान डिनोट किया गया। आप सोच सकते हैं अंटार्कटिका में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, जहां पूरी तरह से बर्फ से ढका पड़ा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आप यहां पर देखेंगे ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में इधर अर्जेंटीना और इसका बिल्कुल उत्तरी जो द्वीप है वो यहां पर है, आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।